सहयोग का फल क्या होता है। दोस्तों हमारे बुजुर्ग कह देते हैं हमेशा कि चाहे सवा मन सोने से इंसान बिगाड़ ले पर कभी पड़ोसी से नहीं बिगाड़नी चाहिए। हमारे विद्वान बुजुर्ग इस बात को कह गए कि चाहे इंसान सवा मन सोने से मुंह मोड़ ले लेकिन कभी भी अपने पड़ोसी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में पड़ोसी का महत्व हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में कितना हुआ करता है। पड़ोसी का सहयोग हमें कब किन परिस्थितियों में करना चाहिए, पड़ोसी का सहयोग हमें किन परिस्थितियों में लेना चाहिए। आ जाओ तो दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हाँ, आप लोगों से एक विनती है, कृपया कहानी को पूरा सुने क्योंकि हम लोग कितनी मेहनत करके कहानी ढूंढ करके लाते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा नहीं सुनी तो शायद आप लोगों की समझ में कोई बात नहीं आएगी और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों चंपक वन में तरह तरह के फल फूल वाले पेड़ थे। एक वन था जिसका नाम था चंपक, उसमें भांत भांत अनेक प्रकार के फल और फूल वाले पेड़ थे। मेरे भैया उसी वन के किनारे की ओर पास पास दो घने पेड़ थे, यानी वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सहारे लगे हुए थे दोनों पेड़। इनमें एक पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और दूसरे पेड़ पर एक तोता ने अपना घोंसला बना रखा था। मेरे भैया वैसे हालांकि वो दोनों पड़ोसी थे, आपस के जो मतलब पास पास दोनों पेड़ थे उन पर रहते थे, लेकिन दोनों पड़ोसी थे। लेकिन उनमें एक दिक्कत बहुत बड़ी थी, उनमें ये परेशानी थी कि बेशक वो पड़ोसी थे लेकिन कभी एक दूसरे से बोलते नहीं थे, एक दूसरे को अपनी बात शेयर नहीं करते थे, एक दूसरे से कभी अपनी बात नहीं कहते थे। यानी उन दोनों में कोई ऐसा प्रेम नहीं था जिससे एक दो मिनट बैठ करके बातें कर लें। मेरे भैया अब तो एक दिन क्या हुआ कि एक पास के ही गांव का एक और कालू नाम का लड़का आया। उसने देखा कि पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है, उसमें छोटे छोटे बच्चे नन्ने नन्ने, चिड़िया कहीं बाहर चरने के लिए चली गई। तो उसने उस घोंसला से और एक बच्चा निकाल करके और अपने साथ ले गया। हालांकि तोता ने देख लिया लेकिन तोता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं था, एक दूसरे से आपस में चिड़िया और तोता कोई मतलब नहीं रखा करते थे। तो मेरे भैया जब चिड़िया शाम को लौट करके आई तो उसने अपना एक बच्चा गायब देखा, बहुत रोई, बहुत चारों तरफ ढूंढा लेकिन जब कहीं नहीं मिला तो अपने घोंसला में बैठ करके ऊंची ऊंची आवाज में ऊंचे ऊंचे स्वर में रोने लगी। और जैसे ही चिड़िया रोई तो उस तोता के कान में आवाज पड़ी। अब तोता के दिमाग में एक बात आई, बोले इसे पूछें क्यों रो रही है। जब तोता उड़ करके गया, हालांकि तोता ने सब कुछ देख लिया था लेकिन फिर भी गया और कहा, चिड़िया बहन क्यों रो रही हो, बात क्या है? बोले क्या बताएं, पता नहीं हमारा एक बच्चा गायब है, पता नहीं कोई ले गया या उसे कोई जंगली जानवर खा गया या कोई चुरा करके ले गया, कुछ नहीं पता। लेकिन उस तोता ने एक बात कही, देखो चिड़िया बहन आप रोना, आप रोना, जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा और मुझे मालूम है कि पास के ही गांव का एक लड़का उसे चुरा करके ले गया है। चिड़िया ने देखा, बोले तुमने रोका नहीं? बोले मैं कैसे रोकता, मैं अपने बच्चों के पास में बैठा और मैं अगर उसे रोकता तो वो मेरा और ले जाता। मेरे भैया ऊपरी मन से चिड़िया को ढांढस बनाया और अपने घोंसले में जाकर के दोबारा बैठ गया। अब चिड़िया तोते के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई, बहुत विचार करने लगी, बड़ा बदतमीज इंसान है, बड़ा बदतमीज जीव है ये बड़ा बदतमीज जीव है जो किसी दूसरे के प्रति बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि उसने भी कभी उस तोता के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई। मेरे भैया अब धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। अब एक दिन वह कालू नाम का लड़का पास के जो गांव में रहता था उसने आज क्या किया कि उसने आज चिड़िया का बच्चा नहीं उठाया, आज उस तोता का बच्चा लेकर के चला गया। तोता वहां पर था नहीं लेकिन आज चिड़िया देख रही थी बैठी, चिड़िया चरने के लिए इसलिए नहीं गई, उसे मालूम है कि कोई बच्चे को चुरा ले जाता है। मेरे भैया चिड़िया देख लिया लेकिन चिड़िया ने उसे रोका नहीं। जब शाम के समय तोता
अपना पेट भर के वापस आया, उसने देखा बोले आज उसके घोंसले से एक बच्चा गायब है, उसके घोंसले से एक बच्चा गायब है। चारों तरफ देखा लेकिन नहीं मिला। अरे अब वहां पर हो तो मिले, उसे तो कोई ले गया। मेरे भैया अब धीरे धीरे जब चारों तरफ ढूंढा उस तोता ने, जब बच्चा नहीं मिला तो आज वो तोता बैठ करके ऊंची आवाज में रोने लगा। चिड़िया ने विचार किया, बोले बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है, चलो अपने घोंसला से उड़ करके चली चिड़िया और उसकी जिस डाल पर तोता का घोंसला था उस पर जाकर के बैठ गई। पूछा भैया आज तुम क्यों रो रहे हो? बोले रो क्या रहे हैं, उस दिन तुम्हारे बच्चे को कोई ले गया, आज पता नहीं हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो देखो चिड़िया ने कहा, देखो मेरा बच्चा कोई ले गया था या कहीं गुम हो गया था, उस दिन आपने कहा कि जो होगा उसे कोई रोक नहीं सकता, जो हो गया उसे कोई टाल नहीं सकता, इसलिए अब शांत हो जाओ। अब मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, देखो मेरा बच्चा बहुत छोटा था, शायद उसके पंख भी नहीं निकले, लेकिन तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा था, उसके थोड़े थोड़े पंख भी थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उड़ने की कोशिश कर रहा हो, नीचे गिर गया हो और यही कहीं छुपाओ आप ढूंढ लो। तोता ने नीचे उतर करके देखा, कुछ नहीं मिला, फिर जा करके बैठ गया। चिड़िया ने कहा रो मत, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, अब जो हुआ उसे एक बड़ा सपना समझ करके भूल जाओ। इतना कह करके चिड़िया अपने घोंसला में चली गई। अब तोता को याद आई, बोले चिड़िया बड़ी बदतमीज है, मुझे बिल्कुल भी ढांढस नहीं बनाया, इसने बिल्कुल भी समझाया नहीं। लेकिन फिर ध्यान आया अपनी करनी पर, मैंने क्या किया था इसके साथ जब इसका बच्चा गायब हुआ था। मेरे भैया कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा करता है उसे वह भोगना पड़ता है। अगर हम आज किसी की मदद करेंगे तो कल हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार हो जाएगा, लेकिन हम किसी को देख करके हंसेंगे ना तो हमें देख करके हंसने वाले हजारों पैदा हो जाएंगे। इस संसार में आज के जमाने में हम जैसा करें हमें बदले में वैसा ही मिलता है। हम अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे शायद इसमें दूसरा कोई गिर जाए तो उसमें दूसरा नहीं गिरता, हमेशा खुद गिरना पड़ता है। मेरे भैया अब तोता अपनी पुरानी बात याद करके बहुत रोया, बोले अगर मैंने उस दिन चिड़िया का सम्मान किया होता तो आज ये चिड़िया मेरा सम्मान करती, लेकिन ये चिड़िया मुझे ताना दे करके चली गई। मेरे भैया अपनी करनी पर पछताने के बाद और वो तोता सीधे उड़ करके चिड़िया के पास गया। और एक बात की बहन सुन, अगर ऐसे ही हम लोग आपस में एक दूसरे के और साथ व्यवहार रूप में कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे, ऐसे ही एक दूसरे से व्यवहार नहीं अपनाएंगे तो आज बच्चे गए हैं किसी दिन घर भी चला जाएगा, घोंसला भी चला जाएगा। चिड़िया ने कहा हमने तो बहुत दिन पहले कहा था लेकिन तुमने मानी हो तब। मेरे भैया अब उस दिन से दोनों मित्र बन गए, मित्र बने। अब दूसरी रात्रि को काल उभर आया, अब की बार उन्होंने दोनों पक्षियों ने विचार किया, बोले चिड़िया से कहा कि आधी रात तक तुम सो जाओ उसके बाद में हम सो जाएंगे, तुम्हें जगना है। बोले ठीक है। अब चिड़िया सो गई, तोता जग रहा है। अब की बार कालू ने जाकर के जैसे ही उस चिड़िया के घोंसला में हाथ डाला चिड़िया जाग गई, और मेरे भैया चिड़िया ने अपनी चोंच से उसके हाथ पर वार कर दिया, वो कालू की उंगली पर वार हुआ, रोता हुआ घर की तरफ चला आया। अब दूसरे दिन हुआ, अब संध्या होने वाली है, अब दोनों पक्षियों के दिमाग में एक बात आ रही है, बोले आज तो हमने अपने बच्चों को बचा लिया लेकिन कालू कल आज फिर आएगा, एक दिन बचा लिया आज फिर आएगा, अब क्या करें। तो देखो वहीं पर पड़ोस में एक और पेड़ था, उस पर एक चमगादड़ उल्टी लटका रहती थी, हमेशा उल्टी लटकी रहती थी। मेरे भैया दोनों पक्षियों को रोते बिल्लाते चिल्लाते हुए देखा तो उस चमगादड़ ने पूछ लिया क्यों रो रहे हो? सारा हाल बताया। चमगादड़ ने कहा तुम्हें रात्रि में दिखाई नहीं देता, हमें सब कुछ दिखाई देता है और हमने अपनी आंखों से देखी है उस बेवकूफ कालू की हरकत। बोले क्या देखा है? बोले हमने ये देखा है कि तुम्हारे बच्चों को यहाँ से ले जाकर के बाजार में बेच देता है, आज फिर आएगा, लेकिन आज मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मेरे भैया अब धीरे धीरे वो कालू नाम का लड़का और जैसे ही उस पेड़ के पास आया एकदम चिड़िया चिल्लाई, चिड़िया को चिल्लाता देख तोता भी चिल्लाया, और जब तोता चिल्लाया चमगादड़ को मौका मिल गया। मौका लगते ही उस चमगादड़ ने और कालू की नाक पर जोर से अपनी चोंच से प्रहार किया, जोर से प्रहार किया, जब नाक पर जोर से काट लिया कालू जोर जोर से रोने लगा, लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, उसके हाथ से डंडा नीचे गिर गया, वह रोते हुए पेड़ से उतरा, घबरा कर कालू अपने घर की तरफ भाग गया। दोस्तों देखो सहयोग करने से क्या होता है, सहयोग करने से ये होता है कि अगर पड़ोसी से हम लोग बना करके रखेंगे तो आज हमारे पास कोई संकट है तो पड़ोसी हमारा साथ जरूर देगा। इस कहानी में आप लोगों को यही सीखने के लिए मिला हमेशा कि कभी भी अपने पड़ोसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए।
वो दोनों जब अलग अलग रहते थे तो उसका फायदा उठा करके तीसरे ने उनके बच्चे चुरा लिए। जब दोनों एक हो गई तो उसे उसकी सजा जरूर मिल गई। तो मेरे भैया बुजुर्ग कहते हैं ना कि इंसान सवा मन सोने से मुंह मोड़ ले, लेकिन कभी भी अपने मित्र से, कभी भी अपने पड़ोसी से मुंह ना मोड़े। आपसी सहयोग से सहज ही बहुत सी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आपसी सहयोग से अगर हम सहयोग करना सीख लें एक दूसरे का तो समस्या ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हो सकता है हमारी कोई सी बात आप लोगों को टच हो जाए, शायद आप लोगों को अच्छी लग जाए, शायद आप लोगों के जीवन में कोई प्रभाव पड़े। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक नई नई रोजाना एक नई कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।